गाइस वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। और गाइस हम अभी पिछले 5 दिन से सिविल के घर रुके हुए हैं और कल हमने कोशिश किया था नॉर्थ सिक्किम जाने का लाचुंग वगैरह, लेकिन वहां पे इजाज़त नहीं मिला। तो आज हम जा रहे हैं साउथ सिक्किम, जहां सिविल का पुराना घर है, गांव है, तो उसको हम देखने जा रहे हैं। तो ये जो घर देख रहे हैं सिविन और किकी का, मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम सिविन के उनके फादर का पुराना जो घर है, गांव है, वहाँ पे जाएंगे। और रास्ते में बहुत सारा नेचुरल ब्यूटी प्लेसेस हैं, ब्यूटीफुल स्पेस हैं, टूरिस्ट स्पॉट है, रिलीजियस स्पॉट है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ का जो ट्रेडिशनल जो गांव में जो घर है, उनका फूड है, उनका कल्चर है, उनका बहुत सारा जो पुराना नियम कानून है, उसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो जहाँ पे हम खड़ा हैं, ये गैंगटोक है और ये सिविंग और किकी का ये घर है, फ्लोर है। और नीचे में जो है अंकल जी रहते हैं, आंटी जी रहते हैं, जो सिविंग के फादर हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो गाइज देखिए, तैयारी चल रही है पैकिंग का। मैंने ऑलरेडी तैयारी कर लिया है। किक्की और सिविंग देखिए दोनों बैग पैक कर रहे हैं और हम लोग कुछ ही देर में निकलेंगे। तो ये जो रूम देख रहे हैं, ये इनका पर्सनल रूम है, किक्की का और सिविंग का। और इसके बाहर जो देख रहे हैं, ये हॉल है, इसमें बैठने का। और देखिए एक छोटा सा बार भी है, जहाँ पे गेस्ट या ऐसे भी नॉर्मली इंजॉय करना होता है तो यहाँ पे बैठ के करते हैं। और ये इनका स्पेस है। और देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिखता है बाहर का। काफ़ी सारे इन्होंने फूल लगा रखे हैं छत पे, तो और भी है टॉप फ्लोर पे। तो ये है, और हम आपको दिखाते हैं जो इन्होंने मुझे ये देख रहे हैं, ये भी एक स्पेस है। और इधर पूजा घर है, लाइब्रेरी है। और ये रूम थोड़ा सा बिखरा पड़ा है, ये रूम मुझे ठहरने के लिए दिए हैं, क्योंकि नीचे काम चल रहा है अंकल के फ्लैट पे। तो ये है, अभी हम पैक कर चुके हैं। तो ये है, यहाँ पे मैंने 4 दिन ऑलरेडी गुजारे हैं और थोड़े देर में, आधे घंटे के बाद हम निकलेंगे साउथ सिक्किम की तरफ। आज 10 मार्च है। मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप दिशा देख रहे हैं, इधर से सनसेट होता है, जो शाम को बेहद बेहतरीन दिखता है। गाइस फाइनली हम लोग 4 लोग जा रहे हैं। ये प्रिया है और आगे सिविन और किकी। तो हमारी गाड़ी खुल चुकी है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये खूबसूरत रास्ते में, तो देखिए जरूर घूमने के लिए। तो देख रहे हैं ये पाइन ट्री है और आसपास में बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल है, और बिल्कुल हम नेचर के बीच में हैं। बेहद खूबसूरत ये लग रहा है रास्ता, और वाकई में है भी जन्नत जैसा है। जन्नत तो हम नहीं गए हैं, लेकिन यही जन्नत दिख रहा है, जन्नत ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो एक तरह से हम इसी को जन्नत बोल सकते हैं। तो आप भी इस जन्नत का जो खूबसूरती है उसको एंजॉय करें। ये रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि आप सिर्फ इस वीडियो में देखकर महसूस नहीं कर सकते हैं,
यहाँ पे जब आएंगे तो कुछ और भी महसूस करेंगे जो हम महसूस कर रहे हैं। और चाय बागान देखिए आने वाला है, एक तरह से आ गया है। और तो आप ऑर्गेनिक टी गार्डन देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर, अभी इसमें पत्ते नहीं, लीफ नहीं है, बट आगे मिलेंगे। और मैं इसी रास्ते से अपना साइकिल से आया हूँ, काफ़ी ढलाई था, काफ़ी मज़ा आ रहा था इस रास्ते से आने में, क्योंकि इस रास्ते में देखिए बहुत ज़्यादा ढलाई भी नहीं है। तो मैं साइकिल अराउंड 30-40 के स्पीड में आराम से चला रहा था। और यहाँ का जो खूबसूरती है, जो नज़ारे हैं, जो नेचुरल सीन है, वो मैं देखते हुए आ रहा था और गाना गुनगुनाते आ रहा था। और ऊपर में अभी बादल से वो जो हिल है वो दिख नहीं रहा है, वो बर्फ़ का, तो आगे देखते हैं, शायद वो दिखने लगे, बट अभी नहीं दिख रहा है। तो गाइज ये जो झंडा देख रहे हैं, फ्लैग देख रहे हैं, ये है ध्वजा जो है, ये है अग्नि का निशान। जब आदमी मरता है तो उसके लिए ये सफ़ेद झंडा लगाया जाता है, और जो रंगीन होता है किसी और चीज़ के लिए होता है, जो फेस्टिवल उनका होता है उसके लिए होता है, लेकिन ये जो है ये सिंबल है, जब कोई मरते हैं उसके लिए लगाते हैं। इसमें बहुत सारा मंत्र लिखा हुआ है, जब ये झंडा फहराता है, उड़ता है, हवा में लहराता है, तो मंत्र बोलते हैं कि हवा में फैलता है और वो जहाँ तक हवा जाती है वहाँ तक ये मंत्र जाता है और उसका असर होता है। तो देखिए कितना खूबसूरत रास्ते हैं, और यहाँ पे देखिए फेस्टिवल वाले झंडे दिख गए हैं, बहुत सारे कलर हैं, येलो है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, तो 7 कलर होता है ऐसे, शायद 5 होता है, सॉरी, तो ये 5 कलर होता है। देखिए आप, इस सिंगल जो झंडा है इसमें दिख रहा है। और गाइज बहुत जल्द ही, मतलब 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर वो चाय बागान है जो बेहद खूबसूरत है, जो मैंने देखा है आते समय, वो बहुत जल्दी आने वाला है। अभी तो हम गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन आते समय नहीं दिखा पाए थे, लेकिन अभी हम अभी आपको दिखाते हैं। हरा अर्थ, रेड फायर, व्हाइट स्काई, ब्लू स्पेस, हाँ ब्लू स्काई, ब्लू वाटर होता है। अच्छा ब्लू वाटर, ओके, व्हाइट स्काई होता है। गाइज चाय बागान जो हरा भरा है वो आ गया है, दिखने लगा है, देखिए आप इसको देख सकते हैं। धीरज भैया नीचे दिखाइए, नीचे, नीचे। अच्छा तो किक्की बोल रही है कि आप नीचे दिखाइए, तो देखिए ये नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है नीचे अभी आपके लिए। तो गाइज हम गाड़ी के ऊपर में आ गए हैं, और यहाँ से चाय बागान बहुत क्लियरली, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और ठंडी ठंडी हवाएं हैं, वो भी मेरे रोम को बहुत ठंडक पहुंचा रही है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और हमारे साथ में जो भी लोग हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, उनको भी हम दिखाएंगे, वो भी काफ़ी बेहद खूबसूरत फील कर रहे हैं। नहीं, नहीं। तो गाइज देखिए ये चाय के बागान, तो देखिए अब ये बिल्कुल हरा भरा ये चाय का बागान दिखना शुरू हो गया है। तो फाइनली गाइज हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है तेमी, देखिए आई लव तेमी, और यहाँ पे चाय बागान बहुत है। सेबिन उतर रहे हैं, मैं ऑलरेडी उतर चुका हूँ, और बाकी लोग सॉक्स पहन रहे हैं अभी। तो फाइनली किक्की और किक्की की सिस्टर दोनों भी बाहर निकल चुके हैं, और हम यहाँ पे चाय पियेंगे और थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स खाएंगे। तो नॉर्मल, कैसा लग रहा है?
तेमी अच्छा। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपको पूछूंगी आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। थोड़ी ठंड लग रही है लेकिन काफी मजा आ रहा है। अभी चाय पियेंगे, ठंड वन सब जाएगा। हाँ तो गाइस ये प्रिया हैं और पहली बार ये सिविंग के जो पुराना घर है वहाँ पे जा रही हैं और ये 10th क्लास में, अभी इनका एग्ज़ाम भी है। तो देखिए कितना खूबसूरत है। अभी यहाँ पे उसको जो पत्ती है उसको काट दिया गया है, तो इस तरह से यहाँ पे इसलिए हरा भरा नहीं है। बाकी नीचे में जो आपको मैंने दिखाया, वैसे दिखाता हूँ अभी, इस एरिया में पत्ती हैं, देखिए हरा भरा है ये। और मैं चाय तोड़ रहा हूँ, देखिए चाय ऐसे तोड़ के वर्कर ऐसे डालते हैं, तो देखने में वो सीन काफ़ी खूबसूरत लगता है लेकिन इतना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों काफ़ी शाम हो चुका है और आज का वीडियो हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि अब अंधेरा छाने लगा है और बस्ती पहुंचने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो जो वहाँ पे बस्ती में जो लोगों से मिलेंगे, अंकल जी से मिलेंगे और आंटी जो भी वहाँ पे हैं फैमिली, उनसे हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे, तो अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए चलिए, खुदा हाफिज। लाइक ही बनते ही हो।